हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष कौशिक साहब है। जय जय राम। आपकी एक फिल्म आ रही है चल जा बापू। जी तो चल जा बापू तो चलेगी, हिट होगी, क्योंकि फिल्म का जो ट्रेलर देखा गया बहुत अच्छा है और आपको एक दिस कंसेप्ट रिटन बाय यू वेरी गुड। लेकिन एक सवाल आते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद में जी आशु जी चल जा बापू के बीच में कहाँ थे और क्या कर रहे थे? चल जा बापू के बीच में और बिग बॉस के उसमें हम अपने ढाबे पे थे, जनता का पेट भर रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसके बाद APN न्यूज़ पर एक शो आता है, पिछले 2 साल से वो कर रहे हैं हम, जिसका नाम है हिंदी मीडियम, हर संडे 8 बजे आता है। और कुछ फिल्में भी की हैं, लाल रंग की है जैसे, और 2-3 फिल्में की हैं। बाकी आशुतोष जी वहाँ थे और कुछ अपने कामों में लगे हुए थे, फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए उसको कमाने में लगे हुए थे। कई बार कहा जाता है कि बिग बॉस से निकलने के बाद जी लोगों के पास काम की कमियत आ जाती है, वहीं पे आशु जी के पास काम था, लेकिन जिस तरीके से आप वहाँ जीत के आए और वहाँ से उस तरीके से आप सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आ पा रहे थे, ये मेरी नहीं जनता की चीज़ है। देखो जनता को तो क्या विषय, जनता क्या कारण रहता है? जनता यही सोचेगी भाई ये लड़का कहाँ है जी, लेकिन और वो स्क्रीन के लिए ही सोचेगी। लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटियाँ दूसरी थी, पीछे फादर नहीं थे, घर को संभालना, बहनों की शादियाँ करना, और आज मैंने दोनों बहनों की शादी कर चुका हूँ, बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। एक बहन आज लंदन है, उनको पढ़ाया, तो मेरी प्रायोरिटी उस वक्त प्राथमिकताएँ दूसरी थी, जिस पे मैं वहाँ खरा उतर सकूँ। मैंने कहा गंगा में से पानी खत्म नहीं होता, यहाँ तो मैं बाद में भी आ जाऊँगा। बीज में ताकत थी, पौधा बन गया था, अगर अभी मुरझाया हुआ हूँ, जनता खवा पानी खाद मेरी फिल्म को देख के मुझे देगी, फिर खिल के आ जाऊँगा। ताकत बीज में होती है। आशु भाई एक सवाल और है कि एक कहावत कही जाती है कि आप 0 से शुरू होकर आपने आसमान की जी सफर किया जी। और एक बार फिर से चल जा बापू के जरिए आप खुद आ रहे हैं, तो ये चल जा बापू का जो कंसेप्ट है, जो अपने गांव ग्रामीण अंचल सहारनपुर की भाषा है, वहाँ की खुशनुमात है जी, वो चीज आपके अंदर शुरुआत से थी, लेकिन ये कंसेप्ट आपको मिला कैसे, कब थॉट्स आए आपके दिमाग में इस पर भी फिल्म बन सकती है? मेरे पास ऐसा हुआ, मैं सोचता था, मैंने कहा यार ये एक बार मेरे पास एक नोट आ गया नकली, और मैं उसको चलाने की कोशिश करता रहा तो बड़ा मुझे दिक्कतें आई। मैंने कहा यार ये नकली नोट से कैसी दिक्कतें आती है, आदमी परेशान होता है। तब सोचा कि यार इसको लिखना चाहिए, चीज़ अच्छी है, मासी प्रॉब्लम है, पूरे मास की प्रॉब्लम है, तो वो लिखा और चल जा बापू आज आपके सामने, जरूर देखने जाइए, अपना प्यार दीजिए। बड़ी मेहनत से आशु भाई आपके बच्चे ने फिल्म बनाई है, मेरी माँ बहन हो देख के आओ। अभी आपके जो पाइपलाइन में टीवी सीरियल है, फिल्म में कौन कौन से बताना? पाइपलाइन में तो पानी है, फिल्म सीरियल तो कुछ ना है, बाकी APN न्यूज़ पे शो आता है हिंदी मीडियम हर संडे 8 बजे, वो जरूर है, वो पाइप से बाहर है, ऑन एयर चलता है। आने वाले समय में कोई रियलिटी शो में कहीं आप जज या कहीं प्रतियोगी बन? देखिए कहीं रियलिटी शो का, अच्छे रियलिटी शो का कोई बुलावा आएगा जरूर जाएंगे, और जनता अपना प्यार दे तो फिर आशु भाई विनर बन जाएंगे। आशु भाई इस समय बिग बॉस चल रहा है जी और बहुत लोग उसमें छाए हुए हैं, एक बात सवाल हमेशा लोगों के जहन में आते हैं कि ये जो प्रोग्राम है स्क्रिप्टेड, आप वहाँ के विनर रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये स्क्रिप्टेड होता है सारा? बिग बॉस एक ऐसा शो है जैसा इस कमरे में ऑक्सीजन है, वो कभी नहीं कहते आप ये बोलो या कुछ करो, जैसे आप हो, जैसी आपकी प्रवृत्ति है, जैसी आपकी आदत है, 2 दिन नाटक कर लोगे, 3रे दिन असली रंग सामने आएंगे। और सीधी सीधी हमारे गांव की कहावत है, घर में जहां 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो होगी ही। साक्षात्कार.com और सुशील गंगवा से बात करने के लिए आशु भाई शुक्रिया, आपके फिल्म हिट। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, आशुतोष कौशिक के नाम से है, बिल्कुल 2 पैसे जेब में आ जाएंगे मेरे भी। शुक्रिया सर, थैंक यू।